कीमती समय आप लोग लेके अपन आयल बनी। भैया बतौलन की गीता नगर से 25 किलोमीटर दूरी से आयल हो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के। बिरहा सुनकर यहाँ दाल बदरी ना हो, हाँ पूछे तो क्या करे। तो यही आप लोग एक बिरहा सुनी, एक फौजी जवान का दास्तान, एक फौजी जवान की जिंदगी। ठीक है ना भैया, चली आई भाई जान। कहानी कहां
चला सागर छुट्टी अपनी संजय कर पला चला फंस के गिर पीछे हो जाए बाबू जिला झांसी के रहने वाला संपत जी जगह बेटवा का नाम बतावल गल अब है मृत्युंजय संजय तीन गो बेटा संपत के दुल्हनिया का नाम बाबू रेखा रहल परिवार बड़ा प्रसन्न बा दोगो बेटवन का बियाह हो गया अब है और मृत्युंजय लेकिन संजय का बियाह नहीं भेल बा संजय बियाह काहे न करत हमें मन में ही उमंग बा कि मैं फौजी जवान बनूंगा देश की रक्षा करूंगा लेकिन समैया बीतत बा बाबू भर्तिया में जाए तो रिटर्न लवट के अमल भर्ती हो ना करे माई कहली है बेटा सुन कबले तू आरती भर्ती देखबे आरती भर्ती तो छोड़ तू अपन ब्याह कर ले एक आरती नाम के लड़की से बाबू संजय का शादी हो गई बार दुनिया के मालिक आरती के घरवा में औथे पूरा घरवा का दृश्य बदल गया लोग कहा कि आरती घर का लक्ष्मी बा काहे खुली भर्ती निकल रहा अब है मनोज गयन भर्ती के लाइन में संजय फौज में भर्ती हो गयी अरे भर्ती हो गयी तो ड्यूटी से घर आना जाना लगल बा वही बीच में आरती के गर्भ रह गल महीना भीतर हो बाबू नवा महीना लगल बा प्रसव का बेला बा फौजी जवान घरे आई हो तब तक सीमा से फोन आ गया संजय आपकी छुट्टी निरस्त की जा रही है आप गाड़ी पकड़ लीजिए और ड्यूटी पर चले आइए फौजी जवान की यही जिंदगी है सारी खुशी को दिल में छुपा करके बाबू करता है क्या एक लाइन गीत लगल बा बदमाश का मतलब तरी नहीं है जैसे चुलबुल्ली हो तो क्रिकेट के खिलाड़ी फील्ड में मरले वो छक्का चौका सिंगल तो भोले में न खेल अरे भरवा में आये तो देखलोस की भौजी पूरा खोल के सुतल है का खोल के सुतल है वह दरवाजा हो तो ये पहले बेरी बिना बता कौला है थक्कर हुआ सब जिम्मेदारी तोड़ ले हो भौजैया दरवाजा खोल के सुतल है तो देवरवा के हथवा में इतना बड़ा बहेट बा अब धीरे धीरे देवरवा गल मारे मजाक में वही बैठवा के मुठियावा पीछवा खोल दल अरे पागल पीछे ना खोल दल वही बैठवा से एही बगलिया में भौजैया के खोद दलस अरे पीछवा में वाला नहीं है देखो ए बगलिया में खोदलस भौजिया जोर से चूकल अरे से देवर बबुआ काहे इतना मोट लगावत होगा हो ई तोहर मजाक हमके जमत ना बा तो देवरवा खिसियाए गए खिसिया की हर वार लगल ताकले अ तकले में तबले पेडवा पे एगो चीज देख लेल भौजी सुत्ता लाल तब बैठा हाँ वो देख लो उसका मास्टर साहब क्या बात है ए भौजी सुन भौजी ए भौजी का कर पोतिन तिन गोतकिया ए भौजी Oh!
पाकिस्तान का बॉर्डर बा, जो सिंधु नदी बहती है, जो नदी है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करती है। हिंदुस्तान से बहते हुए वो पाकिस्तान में जाती है। बोलो ना, ये तो बनारस का रामलीला समझ लेना। हाँ, तभी आप ध्यान दे बाबू, फौजी जवान सिंधु नदी के तट पर तैनात हो गए। हमने गजब हो गए, गजब का भल गीती है बदल गए। बिरहा में गीत बड़ा पिजोड़ लग रहा। यह गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु अपने अंदाज में गावे। सबके बस के है ये ना। क्या कहो गाई, जो गाय के वो निकल गई हन। कवैया अगर आज स्वर मिलावे लगी तो कर 20 साल उमरिए घट जाए। उमरिए घट जाए। देखा पप्पू गई ने गीत बा स्वर की रामदेव गुरु का गावल, लेकिन अंदाज हमार बा मास्टर। गजभार का गुजारिया गजभार
अच्छा वेरी गुड। बिहार प्रधान देव बाबू फौजी जवान संजय जब सिंधु नदी के तट पर तैनात है तब तक कुछ आतंकवादी पापी पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान में घुसना चाहते थे। वाह गजब हो गया। भैया भैया भाई 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 कमला पसंद चला जगह पसंद यही से काजला आजकल का लड़का हो। विधायक जी तब फरमान पूरा कर लें कि हम स्कूल खोलो हैं, स्कूल बनवाई है, क्षेत्र शिक्षित हुई। बनवाई का करेंगे पढ़ाई वाले ना। हाँ का करवा आज संख्या में देखवा तो लड़की का संख्या पढ़ाई लिखाई में ज्यादा हो। हाँ ये लोग कमला पसंद खाली। अच्छा ये देखे मुन्नवर चचा जी जो हैदर गुरु के आप अखाड़े से हैं, आप उनके शिष्य हैं, गायक कलाकार हैं, बड़ी अच्छी बात बा कि आप लोग भी बिरहा यहाँ तक आप लोग बिरहा के पहुंचे बनी। बिरहा आप लोगों के भी वीर गरीब हमारे गोले बनी। उर्दू में नहीं बलिया में रहा हम कहले भैया ये तो बिरहा अक्सर अहिर वहीर करावल अहिर लोग सुनल। जब गली हम गावे बदे थे हम कहली अरे वहां का भीड़ देख के हमारे पर मुंह बवा गया। ऐसे सच्चाई है जो हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तानी सभी लोग है। कुछ लोग घुबरा करते लेकिन मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। हर भाषा का सम्मान होना चाहिए, हर इंसान का सम्मान होना चाहिए। तो आप गायक कलाकार हैं सब भाई के नमस्ते प्रणाम। लेकिन फिर आप पर ध्यान नहीं फौजी जवान संजय कैलन का मास्टर यूज करी है। बहुत बहुत प्रणाम। 21 रुपए का पुरस्कार
अच्छा तो 5 आतंकवादी मरे। चार हम बचा रहे। तो तुम्हारे दुश्मन हुई है भैया? हमारे दुश्मन नहीं हो, प्रेमचंद भैया हो, उनकर पार्टी हो, हम ना कह सके। तू जवन मन का कहा सुना लेकिन अच्छा ये लिए वो कंफ्यूज हो गई। अब हथवा भैया हमारे हरे रतिया भर रही मुंह हरे। जब 5 आतंकवादियों को मारा संजय तो बचे कितने? दो। कहां से कैसे मेरे बाबू? दुश्मनों की सनसनाती हुई गोली आई और संजय के कंधे में लग जाती है। संजय अपने आप को बहुत संभाला लेकिन शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। मशीन बन गई कैसो? हम अमन काम निकल थिला। अब बस सेट करे फिर बोली बंद है सबका। हाँ काम चला ले बता चलत बात। हमारे बहुत ज्यादा जाने पर काम के राम श्रोमरी पांडे। राम श्रोमरी पांडे। राम श्रोमरी पांडे आप हुसैनपुर के धरती से? अच्छा एक बात दादा महाभारत करे 1 रुपए का पुरस्कार 11 रुपए का पुरस्कार। देखी महाभारत का फरमाइश भाई करे बात महाभारत के। पहले आपका बीरस हो जा। महाभारत उम्र भी हो गए फिर आप पर ध्यान नहीं बाबू। जब आप गोली लगी संजय को कंधे में तो संजय अपने आप को बहुत संभाला बाबू लेकिन शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। नदी में गिरा और संजय डूब गया। जब डूब गया तो कई दिन लगातार भारतीय सेना सिंधु नदी में जगह जगह जाल डाल करके खोजना शुरू करते हैं लेकिन मेरे बाबू संजय का पता नहीं चला, लाश नहीं मिली। वे झुक जाते हैं फिर भी उनका जुर्म निरंतर जारी है और उनके 10-10 फौजियों पर हमारे हिंद का 1 फौजी भारी है। हिंद का फौजी संजय का अता पता कुछ ना पाए हैं और सिंधु नदी में कई जगह जाल डाल छनवाए हैं। शहीद घोषित हुआ जवान बिन डेट बॉडी का दाह हुआ और 10 लाख रुपया मिला। आरती का जीवन तबाह हुआ। चौथ मौत में बदल गई। अब सपने सारे सपने हैं। आरती के ससुर संपत बोले जो सबसे ज्यादा अपने हैं। गौर करेंगे बिरह के सुनने वाले भैया बाबू। संजय की लाश नहीं मिली तो भारत सरकार हार करके शहीद घोषित कर देती है कि संजय शहीद हो गया। ए भाई कोई का पात्र हो बतियावा को तो कुछ दूरी पर चल जा मन तुम्हें गाय बजा ले 10-15 मिनट। बात पर ध्यान दे बाबू। भारत सरकार द्वारा जब शहीद घोषित हुए संजय तो संजय के घर पर सिर्फ खबर गई। नाम लेके संजय के परिवार के बाबू लोग अंतिम संस्कार करके उठका पान नहीं भैया बोलो तो डिस्टर्ब ही होना थोड़ा दूरे बतियो तो हम नहीं बोले। अभी हो लोग तो पब्लिक में बैठे रहो। अभी ये खाली बतिया हो जाना तो बाकी सब शांत बस सब सुनत भाई इस सुनावल चाहत हूँ। कुछ मजबूरी हुई उन्हों के? नहीं बतियाओ भैया थोड़ा दूरे जाके हमसे बतिया हम मना नहीं कर इनकर मुंह हुआ लेकिन यह कहा कि आज का दिन मुहे से ना बोल करके। तब किस बस बोला? अरे पागल और कोनो स्थान बोल लेकर मुहे से ना बोल के ही सारा से काम चला ला। मुहे का प्रयोग आज मत करा। बिरहा पर ध्यान दे बाबू। अंतिम संस्कार हो गया संजय का। धीरे धीरे 13 भी बीत गई और जब 13 बीत गई तो फिर भारत सरकार द्वारा 10 लाख
एक शहीदी चेक किसके नाम मिला? संजय की पत्नी आरती के नाम मिला। जब आरती के नाम 10 लाख रुपया का चेक मिलल तो पूरा परिवार में भुला गल कि संजय शहीद हो गए। पूरे परिवार का विचार बदल गए। सिर्फ सबकर निगाह बाबू 10 लाख रुपया पर हो गई। एक दिन की बात है, आरती का ससुर संपत भुला के कोठरी में आरती से कहत का हुआ। एक लाइन गीत लगल बा, कैसे बैठन कि कोरी कहतरी सासुतिया जमावली। एक स्केल बढ़ेगा कि कोरी कहतरी सासुतिया जमावली अमृत डालैली जोरना इमोशनल में आदमी केहू के क्यों बहका सकेला। आरती से कारण आरती का ससुर संपत बेटा देख आरती तुझे भी गम है मुझे भी गम है क्योंकि मेरा बेटा था संजय तुम्हारा पति था जो होना था हो गया। हम मेरा बेटा तो वापस आएगा नहीं। पगली सुन मेरी बात, जो अभय मृत्युंजय आपस में लोग जो लड़ाई झगड़ा रोज करते हैं ना इन झगड़े की जड़ तुम हो। आरती सोचे लगल, अरे बाबूजी झगड़ा की जड़ मैं हूं बेटा आपके, मैं तो कभी कुछ बोलती भी नहीं हूं, आखिर झगड़ा की जड़ मैं कैसे हूं। तब संपत हल्का रुपयाई हो जाई जहरवा बेटी हो हरवा उचारी सुन। 10 लाख रुपया वो जो चेक है हमारे नाम से ट्रांसफर कर दे। देखा बुढ़वा कर मल्ला आरती के नामे रही आरती के खाता में रही तो घर में झगड़ा बा जोर की ओकर पति बेचारी का शहीद भर बटन आओ पैसा वो रुपया अब बुढ़वा ससुर के खाते में हो जाए तो झगड़ा में खत्म हो जाए। अरे बाप रे बाप, वो विधवा बा लाचार बा पुठल शरीर बा हथवा जोड़ के कांपे लगली और रोई के अपने ससुर के पैरवा पे गिर के कहली कमाइटर अरे मोर राम रुपया तो हके लौका बाबू जी हो गई
शराब के बेटा उठे तो उन्हीं के थरे में आई उनकी बीबी हूँ तो मैं तो भी आपकी हूँ। ये आपका पोता भी है लेकिन आपको 10 लाख रुपया दिख रहा है, मुझे पैसा रुपया नहीं दिखाई दे रहा है। मेरी इतनी लंबी उम्र में कैसे बिताऊंगी? वो 10 लाख रुपया क्या है? मुझे पैसा रुपया नहीं चाहिए, मुझे नहीं दिख रहा है। संपत समझ गए? दे ही ना, कितना चिरौरी करो। अभी पैसा दे ही नहीं, मारे गुस्सा में लाल आज कोई बहरे चरपाई पे संपत बैठ गई। अपने बुढ़िया के बोलो कल बुढ़ा जल्दी आवा। बुढ़िया लोटा में पानी लेके आई, अब बुढ़वा ऐसा ही पसीना है अपन पूछत बा। अब बुढ़िया बुढ़वा का पसीना देख के घबराए गई। स्वागत भी कही लेना भैया, कही लेना भैया का बुलाई भी नहीं रहे। देखी हम बताई ला विकास भैया, एमपी एमएलए बनब तो बहुत आसान बात होला, लेकिन गांव का प्रधान बने में बड़ी सीसी बाटे के फराला तोहरे नहीं है। हाँ पूरे प्रचार प्रसार में अमर भी रहे छोड़ ले रहा। इहो अपने गांव का प्रधान हुआ, इधर पर 1 करोड़ से जीतल हुआ, 113 वोट से बढ़िया की बात चुनाव लड़ रहा है। 200 रुपए का पुरस्कार ही, अब 500 रुपए का पुरस्कार शुरुआत में स्वागत के लिए रलन बाबू पट्टी के प्रधान आप माननीय हमारे बड़े भैया विकास यादव जी। नाम बड़ा प्यारा हुआ, नाम का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। विकास जगर नाम है विकास बात है तो निश्चित बाकी अपने नाम का फायदा आप उठाई है जरूर, क्षेत्र में विकास करी है जरूर। आइए क्षेत्र के लोगन के हम 100 बार प्रणाम करत बनी। बड़ा बढ़िया आप लोग प्रधान चुन ले, बड़ा कम उम्र में तरक्की कर भैया। बस ये बाकी एक बचा के रखिया, अगली बार भी आपके जीते के बाद बाजी मारे के बाद बधाई गीत उजाला गई है। और देखे 51 रुपए का पुरस्कार गुलाब यादव समाजवादी, तब तो बोलते रहे 51 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत प्राम सम्मान के नमस्ते प्राम। अच्छा बिरहा हमार कहाँ पहुंचे रहो भैया? कहाँ बुढ़िया पानी पियावत है। अच्छा अच्छा अब देखा बुढ़िया का कलश, बुढ़वा का पसीनमा देख के बुढ़िया घबराए गई। कहे कहो बुढ़ऊ तबे तुम्हें ठीक ठाक बना बुढ़िया लगा ले हर बात पे होवे। कुछ गायब तो ना भेल हो? अच्छा हृदय में से दिला गायब हुआ ना पागल आदमी। बुढ़वा का देख रे बुढ़िया तबियत तो ठीक बा लेकिन आप दिमाग ठीक ना बा। बुढ़िया कलश काहे का भेल? कहा करे ऊ अर्थिया अंदर लिया जाके 2 घंटा चिरौरी के लिए तैयार है नहीं भाई। खरे वो अर्थिया 10 लाख रुपया वो का पा गई? ये तो छोटकी जहाज हो गई ले आसमाने उड़त बा, जमीन पे कोई पैरवा ना पड़ता। आप बुढ़िया कर लह गई लिखा सांस ही हो ना पतो ही का शिकायत अगर इतना मिली तो इतना बड़ा बनाई। अब बुढ़िया लगा ना बुढ़ावा का पेच यही है आई ठात यही ठात आई ठात। मल्ला स्कूल बहुत खराब कर दिया सवेरे लड़के जवान बा। फेल कहीं छोड़ रहे थे दाही बैंड पकड़ा भला कल से बुढ़ाऊ तो हसे तो हम पहले ही कहली कुलक्ष्मी बा डाइन बा कंटाइन बा हमरे लाल के खाए गई लो रमाऊ और रमाऊ है रमाऊ अल्लाह लाऊ के खाई ले हो रमाऊ। तो हम जल्दी है खाई काहे इनके खाई यो संपतवा खाई है हम के रंपत हरामी बुढ़िया लगा बनावटी रोवे हो कहे रमाऊ हो रमाऊ अल्लाह लाऊ के खाई ले हो रमाऊ तो आऊ के खाई। बुढ़वा करे बुढ़िया सुन सुन बुढ़ौती आ गए ते तो खाई नहीं पड़े ये का खाई 4 दिन मेरे खरे हाई अर्थिया खाई रे अर्थिया के तो हमहन मिल के ऐसन खाई बना कि कोई टोला मोहल्ला में पता न पाई।
जवन बची होके चाट के उड़वा दिया जाएंगे। अशुन आज के दिन से आरतिया का घर में खाना पानी बान। क्या यही इंसानियत है बाबू? एक इंसान होने का यही मतलब है, परिवार में सबके लिए खाना बने, लेकिन आरती का हिस्सा नहीं बने। सब खाए, आरती उपवास रहे, लेकिन है फौजी जवान की बीबी अपने दिल की बात किसी से ना कहती है, ना वो घर से पैर बाहर निकालती है। बोलती है मर जाऊंगी लेकिन कदम बाहर नहीं निकालूंगी, क्यों? मेरे पति का बदनामी होगी। धीरे धीरे दिन बीतल, उपवास कितना दिन तक रहेगी, आरती बीमार पड़ गई। छोटा बच्चा है जो माँ का स्तन पीता था, वो बच्चा भी बीमार हो गया, लेकिन परिवार में कोई दवा करने के लिए तैयार नहीं है। तो आरती अपने लिए नहीं लेकिन अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल चली गई। जब ले जा करके अपने बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करती है तो डॉक्टर उस बच्चे को देखते हैं नाजुक हालात, डेंगू बुखार पकड़ा था। जिसको भी ये बुखार पकड़ लेता है, प्लेटलेट बिल्कुल घट जाता है, शरीर में खून बनना बंद हो जाता है। डॉक्टर साहब देखे तो डांटना शुरू कर दिए, अरे किसका बच्चा है? इस बच्चे को दो चार दिन पहले ही मर जाना चाहिए था। आरती आई, ले जाओ, इलाज नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, आरती डॉक्टर साहब के सामने टूट गई बाबू, रोने लगी। डॉक्टर साहब मैं बहुत विपत की मारी हूँ, मैं दो दिन पहले आ गई होती हॉस्पिटल, लेकिन साहब मेरी बात को सुनेंगे ना, अगर अंदर आपको दिल होगा ना तो आंख से आंसू आ जाएगा, आपका दिल दहल जाएगा। डॉक्टर साहब रुक गए, बोलो क्या मजबूरी है? डॉक्टर साहब मैं विधवा हूँ, एक फौजी जवान की औरत हूँ, एक शहीद की पत्नी हूँ। साहब मुझे 10 लाख शहीदी राशि मिली है, उसी पैसे के चलते परिवार में मेरी एक पैसे की कदर नहीं है। मुझे लोग मारते हैं, पीटते हैं, सताते हैं, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब मुझे लोग भोजन तक भी नहीं देते हैं। मेरा बच्चा मेरे बुढ़ाई का सहारा बनेगा, मैं जी रही हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन एक लाश बन करके इलाज कर दीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को दर्द आया, इसी से बताया जाता है डॉक्टर इस धरती पर सेकंड गार्ड छोटका भगवान हुआ करते हैं। डॉक्टर साहब इलाज किए, चाय वाला भैया आपके चाय के दुकानदारी में हमारे बिरहा बिगड़ जाए, बिरन पब्लिक बढ़िया मिलल बा, तनी गाले बताना भैया, जेके चाहिए वो है जाके तेरे दुकानी पर पी ले, ठीक ना? जा बिरहा पर ध्यान नहीं बाबू। अब आरती खड़ी है और डॉक्टर साहब ले जाकर के उस बच्चे का इलाज करते हैं। बारे दुनिया के मालिक, बच्चा को आराम हो गया, लेकिन अब गजब हो गया। ए भैया, ए चाय वाला भाई, ये कुल कमी है ना, बड़ा देखिए। रवि यादव प्रबंधक चंद्रशेखर आजाद एकेडमी मान मानधाता प्रतापगढ़ के धरती से एबिरहा के भाव पर 1 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान किए। भैया के बहुत बहुत प्रणाम और सारे सुनने वाले भैया लोगों के सौ सौ बार प्रणाम। बिरहा पर ध्यान दे बाबू। अब गजब क्या हुआ, डॉक्टर साहब बोले कि आरती आपका बेटा स्वस्थ है, आप घर ले जा सकती है, लेकिन 30,000 रुपए की जरूरत है। तो आरती 30,000 कहां पाएगी? कुछ पैसा बैंक में था, अभी जो पैसा शहीदी राशि हो तो भी भजेगा नहीं, मिलेगा नहीं, लेकिन कुछ पैसा बैंक में था और कुछ पैसा जो कम हुआ, तो आप लोग जैसे आम इंसानों से लेकर के आरती हॉस्पिटल जा रही थी। आई खबरिया सारा लोकेशन आरती का ससुर ए मुट्ठी में रख ले बा, संपत्त 1,00,000 रुपया में 4 गो बदमाश खोजलन आरती के मारे बदे बाबू। चारों बदमाश वही नहरी के पुलिया पर आरती का इंतजार करत हुआ। आरती भागे भागे जा रही है, एक बदमाश पहचान लिया और बोला, एक्सक्यूज मी मैडम,
क्या आप आरती है? आरती रुक गई। हाँ भैया मैं आरती हूँ। आपका पति संजय सहित? आरती बोली हाँ हाँ भैया मैं उन्हीं की मैडम हूँ। आप लोग कौन भैया? आरती समझ गई कि लगता है मेरे पति के लोग दोस्त हैं, अब मुझे पहचान गए तो हमारी मदद जरूर करेंगे। तब आरती पूछी कि भैया आप लोग कौन है? यह बतिया तो बाबू जहर हो गई। वो पपियवा से आरती का मुहावा पकड़ के दाब लल आवाजिए बंद हथवा इसे पीछे करके चढ़ा दल। आई है बाल पकड़ के बाबू लेके गई नहरी के पुलिया से रोड कटल बा, दोनों तरफ अरहर का खेत रहा, वही खेतवा में ले जाए के पटक के अलग अलग मारे सो। आरती चिल्लात बड़ी, रोवत बड़ी, कहत बड़ी का से भैया बतौलन की 25 किलोमीटर दूरी से आए बनी। आपके फरमाइश पर ही हम बिरहा गावत बनी। 1 करोड़ इसके भाव पर 1 रुपए का पुरस्कार देकर के आप सम्मान के लन भैया के बहुत बहुत काम आशीर्वाद के जा रही। ऐसा ही बाबू 10 मिनट और आप लोगों का चाहब शांति। अब आरती को पापी से मार रहे हैं, आरती माफी मांग रही है। भैया आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे मैं लाचार हूँ, मैं विधवा हूँ, मैं परेशान हूँ। मत मारिए भैया, मत मारिए। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है ना, मेरा बेटा तड़प तड़प के बरसाएगा। लेकिन वो पापी काहे के माने, उन्हें तो 1 लाख की भूख है। आरती समझ गई जो मेरे पास 30,000 रुपया है, लगता है इसी के चलते लोग मुझे मार रहे हैं। बैंक का चैन खोलती है और 30,000 रुपया निकाल कर उन पापियों के हाथ में रख देती। भैया लीजिए पैसा, लेकिन मुझे मत मारिए, मत मारिए। अब वो पैसा तो फ्रेश हो गया, काहे के छोड़े बाबू मार रहे हैं। तब तक बारे दुनिया के मालिक बताया जाता है, मारने वाले से बचाने वाले की बाह लंबी हुआ करती है। उसी रास्ते से एक फौजी जवान जा रहा था जो छुट्टी पर घर आया था। अचानक उसके मोबाइल पर फोन आ गया, तो फौजी जवान ने गाड़ी को रोका और बोला हेलो। तब तक चीखने चिल्लाने की आवाज, कोई अबला है, किसी को मदद की जरूरत है। इधर उधर देखा, फौजी जवान नहीं समझ पाया। जब झुक करके बाबू अरहर के खेत में देखा तो एक औरत पर 4 पापी भेड़ियों जैसे जुटे हैं। कंधे पर बैग था, निकाल कर फेंक दिया। दौड़ गया फौजी जवान, अपने जान के भी गम नहीं किया। दौड़ जैसे दौड़ा और जो चारों पपियवा हुए आरती के छोड़ के 4 दिशा में भगल। लेकिन है फौजी जवान, दौड़ करके एक काला रही पकड़ा, खसीटते हुए लाया अलियाई को ही आरती के पजरमा पटक के यह ठेभुनवा बाबू सिनेमा पे लगाई के। आ जब 4 केहुनी कसल है ना, लगने 100 रुपया गिनने पर
जब चार के होनी लगल तो रुपया के नहीं है मुहे से गजार होवे लगल अब ऐसे उठा थो अब गिर जाथो कई बार उठल गिरल तबले फौजी जवान फिर खींचल तमाचा साला नाटक बना रहा है क्यों मार रहा था बताओ जल्दी बताओ कल भैया हम लोग चोर थे बदमाश थे लेकिन अब एक रही से इंसान हो गए हमें ज्ञान हो गया फौजी जवान बोला रे साला अभी ये कबला को मार रहा था क्या एक तमाचा लगा तो मार के बारे में तुझे पता चल गया कितना तमाचा इस महिला को मारे हो आखिर क्यों मारे हो कल साहब हमान का दोस्त ना बा हमान का गलती नहीं खेल हमान लालच में पड़ गई थी लालच में कैसी लालच कहे साहब सुना इनकर ससुर संपत हमान के 1,00,000 रुपया दी है इनके और इनके बेटा के मारे